हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2020 का संस्कृत का पेपर, संस्कृत जनरल का पेपर। हम आज इसके आंसर सहित जानेंगे। दोस्तों, आप लोग पंडोले स्टडीज़ के साथ जुड़े रहिए और पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो जब भी अपलोड हो इसके आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एमपी बोर्ड 2022-23 के लिए हम सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ पढ़ रहे हैं ताकि हम आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स, टेंथ बोर्ड के, उसमें हम अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। जुड़े रहिए आप लोग पंडोले स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं हम संस्कृत का यह पेपर। सबसे पहले हमारा रहेगा पहला प्रश्न, उचित विकल्पा चित्वा लिखत। सबसे पहले आपका पहला प्रश्न है तद प्लस शिव इत्यस्य पद्यस्य संधि अस्ति, इसमें कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो तत्शिव। तत्शिव यह एक सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, पवन का संधि विच्छेद आपको इसमें करना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प तथा अन, प पवन। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है दोस्तों इसका। प्रश्न नंबर ग विसर्ग संधि चे उदाहरणम अस्ति, तो इसका उत्तर है दोस्तों मनोहर, मनोहर इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। घ नंबर का प्रश्न है वधुत्सव इत्यस्मने पदे संधि अस्ति, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा नंबर का प्रश्न चित मितः च संसार च विचोही वग मितः अत्र अव्ययम् अस्ति, सो इसका उत्तर है चा, मतलब से कि ऑप्शन नंबर चौथा इसका चा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है उचित विकल्पाना चित्वा लिखत, इसमें भी हमको सही विकल्प ही लिखना है। लंबोत्तर इत्यस्मिन पदे समास अस्ति, सो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है बहुव्रीही समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख नंबर का यथाशक्ति इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो इसका समास विग्रह है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि शक्ति शक्ति यथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लक्ष्मण इत्यस्मिन पदे समास अस्ति, तो इस दोस्तों तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए दैट इज द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ प्रश्न क्रमांक घ अनुगणनम इत्यस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों तीसरे नंबर का यानी कि अनु उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित पदेषु उपसर्ग अस्ति, सो इसमें उपसर्ग बताना है आपको दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि परा, यह एक उपसर्ग है जो सामने लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। सो दोस्तों उपसर्ग जब परा में हम जय लगाएंगे तो पराजय एक शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा उचित विकल्प चित्वा लिखत, इसमें भी आपको सही विकल्प ही लिखना है। पव्यन्ति इत्यस्मिन पदे धातु अस्ति, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि दश। पत्यस्मिन इत्यस्मिन पश्यन्ति इत्यस्मिन पदे धातु अस्ति दृश्य धातु। नेक्स्ट है ग्रमी गमिष्यामि इत्यस्मिन पदे लकार अस्ति, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लट लकार, लट लकार यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लभाते लभते इत्यस्मिन पदे पुरुष अस्ति, सो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रथम पुरुष, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। घ नंबर का प्रश्न है अपिबन इत्यस्मिन पदे वचन मस्ति, तो इसका सही उत्तर है बहुवचनम यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। चौथा पांचवा प्रश्न है अड़ा नंबर का प्रश्न है तत्य शिवालय तत्र शिवालय अस्ति इत्यस्मिन पदे इत्यस्मिन वाक्ये अव्ययम् अस्ति, सो दोस्तों इसका सही उत्तर है तत्र, तत्र यानी ऑप्शन नंबर चौथा। फिर क्वेश्चन नंबर है चौथा प्रश्न क्रमांक चार उचित विकल्पाना चित्वा लिखत, यानी कि फिर से सही विकल्प लिखिए। दीप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, सो दोस्तों इसका सही उत्तर है गुणिनी, गुणिनी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ख नंबर का प्रश्न है पठम इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, सो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रतः, श्रतः यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। ग नंबर का प्रश्न है ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति, सो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा यानी अदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर का प्रश्न गतः इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, सो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर दूसरा कतह। पांचवा प्रश्न है, खालिस्तान किल मनुष्याणी देवताना च देवतां। सो इसका सही उत्तर है माता, माता किल मनुष्याणा देवताना च देवतां। सो प्रश्न क्रमांक पांचवा है दोस्तों, प्रत्यय शब्द रिक्त स्थान पूर्तानी पूर्ति करुत कोड़पी पांच। कोई पांच हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और इन सारे शब्दों को भरना है उसमें जो यहाँ लिखे हैं इन्हें, और मैं आपको सारे बता दूंगी, इसमें से कोई छः बता दूंगी मैं आपको और आपको कोई पांच इसमें भरना होता है सही सही। सो दोस्तों पहला जो है भारतीय एकता खालिस्तान संस्कृतम, तो यहाँ पे भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। दूसरा प्रश्न है स्वर्ण स्वकर्मणि प्रवर्तितु खालिस्तान नैव लिखते, तो इसका है कदापि नैव लिखते, यह जो कदापि लिखा है वो। प्रश्न क्रमांक तीसरा है गुरुकुले खालिस्तान शिक्षा आसन, तो गुरुकुले ब्रह्म शिक्षा आसन, यहाँ पर जो लास्ट वाला ब्रह्म लिखा है वह आएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा है महर्षि खालिस्तान शरीरेण अमर अस्ति, सो यशः, ये दूसरे नंबर का ऑप्शन है, यहाँ आएगा महर्षि यशः शरीरेण अमरः अस्ति। फिर पांचवा प्रश्न है प्रतिमार्थ मात्र धर्मिणी खालिस्तान नाम, तो दोस्तों इसका है पतिव्रतेति, पति मात्र धर्माणि पतिव्रतेति नाम। फिर छठवा प्रश्न है परोपदेश वेलाया खालिस्तान सर्वे भयन्ति ये च वय, तो इसका सही उत्तर है शिष्टा। तो दोस्तों इसी के साथ ये पूरे पांच प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और इसी के साथ आपको जो क्वेश्चन नंबर छठवा है उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं संस्कृत भाषा में, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, फिर उसके बाद सब प्रश्न नंबर छठवा सातवा ऐसे इस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर इसमें लिखने होते हैं। दोस्तों मैंने आपके साथ ये प्रश्न शेयर किए हैं, आप लोग इन्हें ज़रूर से ज़रूर हल कीजिए, और पंडोले स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तब मिलेंगे जब आप तुरंत अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सबसे आखिरी में जो प्रश्न क्रमांक 19 है उसमें आपको किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना होता है, या तो अनुशासन पे आप लिख सकते हैं, या फिर आप मम दिनचर्या पे लिख सकते हैं, या फिर संस्कृत भाषा या महत्व पे लिख सकते हैं, या फिर अस्माकं देश पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, पूरे 100 अंक का प्रश्न पत्र आता है दोस्तों। आप लोग जुड़े रहिए पंडोले स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ ताकि मैं आप सभी के साथ जो भी लेटेस्ट पेपर डिटेल्स है वो शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।